हेलो एवरीबॉडी, गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अभी। गाइस, आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो स्नैपिक्स यूज करते हैं। बिफोर दैट मैंने आपको स्नैपिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, स्नैपिक्स क्या है, कैसे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, किस तरीके से टॉपअप कर सकते हैं और बहुत सारी डिटेल्स नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम स्नैपिक्स की एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप स्नैपिक्स में स्ट्रैटजी से ट्रेड ले सकते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल जो कंफ्यूज थे अबाउट दिस, बहुत सारे लोगों को डाउट था कि स्ट्रैटजीज कैसे अप्लाई होंगी स्नैपिक्स के अंदर। हाँ, बिल्कुल फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म है, वही सर्विसेज आपको यहां पे मिलती है जो नॉर्मली फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स में आपको मिलती है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं, लाइक कर दो यार वीडियो को, फिर आगे बढ़ो। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो यार चैनल को, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, किसका वेट कर रहे हो यार। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल पे जाओ और ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप हैं अभी मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, यहां पे आप एक एप्लीकेशन देख पा रहे हैं विद द नेम ऑफ स्नैपएक्स प्रो। नहीं डाउनलोड की है तो iOS या प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो यहां पे मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप आता है वो बताता हूं। तो यहां पे जैसे आप इसे ओपन करोगे तो ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आना है। यहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्नैपएक्स की स्ट्रेटजीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं अकाउंट पे जाता हूं, यहां पे आप देख पा रहे हैं $85। तो यहां पे लाइव ट्रेड लेंगे, $85 से ही आपको दिखाऊंगा ट्रेड कैसे लेते हैं और स्ट्रेटजीज को यूज करके ट्रेड कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूं मार्केट पे, कोई भी मार्केट मुझे सेलेक्ट करना है तो BTC को मैं सेलेक्ट करता हूं। BTC USDT रियल अकाउंट आप लॉग इन है, चेक कर पा रहे हैं यहां पर रियल अकाउंट है, ये कोई डेमो अकाउंट नहीं है। तो अब रियल अकाउंट में लॉग इन होने के बाद यहां पर देखो टाइम पीरियड को आपको सेलेक्ट करना है। तो टाइम पीरियड लाइक ये टाइम पीरियड बेसिकली जैसे बाइनरी में होता है उस तरीके का नहीं है, यहां पे ये टाइम पीरियड होता है आपका चार्ट का हिस्टोरिक डेटा चेक करने के लिए। तो यहां पे मैं वन डे का सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं ट्रेंड को एनालाइज करता हूं कि एक दिन का जो ट्रेंड है वो कैसे शो हो रहा है। तो भैया यहां पर स्टार्टिंग में जो है मार्केट काफी डाउन आया था, उसके बाद अभी जो है अप ट्रेंड पे है। अगर मैं एक दिन के डेटा की बात करता हूं, अब मैं एक दिन से हटा के चार घंटे के डेटा पे बात करता हूं तो 4 आवर्स के डेटा को अगर मैं देखता हूं तो भी अप ट्रेंड पे ही दिखा रहा है। हाँ, लास्ट के 2 कैंडल जरूर रेड बने हैं जो कि चिंता का विषय है। तो अब आते हैं सिर्फ 1 घंटे के चार्ट पे, तो 1 आवर के चार्ट पे आते हैं तो यहां पे देखेंगे। हाँ, हालांकि पिछली 4 कैंडल जरूर रेड बनी थी बट वापस ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गई। तो एक चीज देख रहे हो आप, जैसे ही मैं यहां पे टाइम पीरियड एडजस्ट कर रहा हूं कैंडल्स का, यानी कि मिनिमाइज कर रहा हूं या मैक्सिमाइज कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं, तो यहां पे आपको जो है डायरेक्टली अफेक्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि चेंजेस देखने को मिल रहे हैं किसके साथ, ग्राफ के साथ। ग्राफ में ये चीजें जो हो रही है ना वो चेंज होती रह रही है। तो यही तो यहां पे एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते डेटा को देख के कि क्या हो रहा है। डेटा आपका जो ग्राफ का है वो एब्सोल्युटली चेंज होता रहता है। तो अब मैं स्ट्रेटजीज के ऊपर आता हूं, तो यहां पे देखते हैं एमए। एमए पे आपको देखो यहां पे दिख रहा होगा, एक तो यहां पे एमए दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है एक BOLL, ठीक है, और यहां पे दिख रहा है एमए। तो आज हम बात करने वाले हैं BOLL बॉल की स्ट्रेटजी के बारे में। अब यहां पे देखिए SUB पे जाना है, MACD को आपको अप्लाई कर देना है। तो MACD को आपको अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके पास ग्राफ आता है। देखिए, ये मैं जानबूझ के आपको मोबाइल इंटरफेस के साथ दिखा रहा हूं क्योंकि लॉट्स ऑफ द मेजोरिटी अगर मैं यूजर्स की बात करता हूं तो मोबाइल फोन यूज करते हैं और इजी इंटरफेस, यानी कि आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल फोन की हेल्प से। अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं होता है, यानी कि अगर आप PC से एक्सेस करते हैं तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है वेरी करना PC को वन प्लेस टू अदर प्लेस, इसलिए मैं मोबाइल फोन से ही आपको दिखा रहा हूं। तो अब देखिए MACD की स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है। जैसे ही आपका जो चार्ट है, आपको पहली बात तो टाइम पीरियड क्या रखना है, टाइम पीरियड आपको 1 आवर का रखना है। मैं यूजुअली 1 आवर का रखता हूं या 4 आवर का रखता हूं अगर मैं फॉरेक्स में ट्रेड लेता हूं तो जैसे ही देखो आपको 2 कैंडल अगेंस्ट मिलती है मार्केट की, यानी कि 1 कैंडल आपको ग्रीन की मिलती है, फिर अपर आपका जो ऊपर का लेवल है उसको टच करके 2 कैंडल आपको नीचे की डायरेक्शन में रेड की मिल जाती है, तो आप नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड बेधड़क ले सकते हो। और जैसे ये जो नीचे पर्पल कलर की लाइन है यहां पे टच हो जाता है तो उसके बाद जाके आप ऊपर की तरफ ट्रेड जो है प्लेस कर सकते हो, जैसे आपको 2 कैंडल ग्रीन कलर के दिखती है तो फिर। अब MACD यहां पे किस तरीके से काम करता है, देखो MACD का एक बेस होता है 0.0000। तो ये जो बेस होता है ना, अगर इस बेस से आपके नीचे है तो इसका मतलब ट्रेंड अपवर्ड होने वाला है, और अगर इस बेस से ऊपर है इसका मतलब ट्रेंड बेसिकली आपको डाउनवर्ड देखने को मिलेगा। तो यहां पे अभी देखो नीचे है तो इसलिए मैं अपवर्ड ट्रेंड पे अंदाजा लगा सकता हूं कि ट्रेंड जो है वो बेसिकली अपवर्ड रहने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी इस तरीके से काम करती है। अब एक ट्रेड जो है वो प्लेस करते हैं यहां पर।
तो यहाँ पे मार्केट ऑप्टिमल को हमें चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे मार्जिन हमें सेट करना होता है। मार्जिन क्या होता है गाइस? तो मार्जिन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना पैसा यानी कितना अमाउंट यहाँ पे आप बिट कर सकते हो, कितना अमाउंट की यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 20 USDT सेलेक्ट कर देता हूँ। लेवरेज ऑटोमेटिकली सेट है तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करूंगा। नीचे देख रहे होंगे टोटल मैं इस पर्टिकुलर जो है ट्रेड इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ 20 USDT यानी 20.27 USDT इनका जो है मार्जिनल चार्जेस रहते हैं। एंड अवेलेबल मेरे पास अभी है 85। ओके तो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। एंड मैं यहाँ पे देखो क्विक पे हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, एक प्रो का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप प्रो के लिए भी जाना चाहें तो इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अभी फिलहाल इस करेंसी पे ठीक नहीं है तो मैं दूसरी करेंसी चेक करता हूँ जो हमारी स्ट्रैटजी को सपोर्ट करे। तो यहाँ पे शायद हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि बाय करने वाला हूँ शेयर्स को। और यहाँ पे जैसे ही, क्योंकि देखो यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन कलर की बन चुकी है एंड प्रोबेबली मुझे जहाँ तक लगता है दूसरी भी ग्रीन कलर की ही बनेगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, 1 आवर का चार्ट है। तो यहाँ पे मैं अपवर्ड डायरेक्शन पे यानी कि बाय करने वाला हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी पोजिशन जो है वो ओपन हो जाएगी। मैंने यहाँ पे $20 पे रिस्क लिया है। एंड यहाँ पे देखेंगे एक बार कंफर्मेशन आपसे ज़रूर मांगेगा, तो यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन ओके कर दिया है। एंड जैसे ही मैंने कंफर्मेशन ओके कर दिया है अब मैं जाऊँगा मेरी पोजीशंस में। एंड पोजीशंस में यहाँ पे पेंडिंग पोजीशंस आपको ज़रूर दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ओके पोजीशंस में जाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी मेरे पास जो 85 का बैलेंस था वो अब बच गया है 65 का। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने जो है मार्जिनल यानी ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है। अगर आपको नेट में यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है जैसे कि 0.12, इसका मतलब आप प्रॉफिट में जा रहे हो। और यहाँ पे अगर रेड कलर में आपको डिटेल में दिखता है तो इसका मतलब आप लॉस में जा रहे हो। तो फिलहाल हम प्रॉफिट में जा रहे हैं इस ट्रेड में। एंड अब ये ट्रेड पड़ी रहेगी 1-2 दिन तक जहाँ तक मुझे लगता है, और उसके बाद यानी 1-2 दिन तक या फिर अगले 5 से 6 घंटे तक जो रिजल्ट्स ओरिएंटेड काम है, यानी जैसे हमें रिजल्ट मिलता है हम इस जो ट्रेड को क्लोज कर देंगे एट द टाइम ऑफ लाइक जैसे मुझे $5 से $7 यानी $5 से $7 USDT का इस पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा, आई विल क्लोज दिस पर्टिकुलर पोजिशन। ओके गाइज, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। इसमें एक और स्ट्रैटेजी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। हम डिस्कस करने वाले हैं MA एंड RSI। RSI की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है, और RSI और अगर हम इसके बॉलिंजर बैंड यानी कि MACD और बॉल यानी बॉलिंजर बैंड की जो स्ट्रैटेजी है इसको कॉम्बिनेशन में लेके आते हैं RSI के साथ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट ये दे रही थी। तो ये वाली स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक आपने कर दिया होगा। अगर स्नैपेक्स यूज करते हैं तो बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी आपको, और नहीं करते स्नैपेक्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप स्नैपेक्स डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। गाइज, मुलाकात होगी ऐसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो वीडियो को तब तक के लिए देखते रहो, लाइक करते रहो, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर दो। एंड एक और चीज, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो अभी हो जाओ यार, टेलीग्राम पे ज्वाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहीं पे ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।